देश की राजधानी दिल्ली में फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एलजीबी के सक्सेना से मिलने के लिए पहुंचे युवक ने खुद को आईएएस अफसर बताया था, वहीं उसके साथी ने खुद को सांसद प्रतिनिधि बताकर धौंस जमाने की कोशिश की थी, लेकिन जांच में मामला संदिग्ध लगने पर एलजी ऑफिस के स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल दोनों आरोपियों को सिविल लाइंस पुलिस ने गलत पहचान बताने की धारा में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार बुधवार को सिविल लाइन स्थित एलजी आवास के सामने एक कार रुकी। गेट पर तैनात एएसआई किरण पाल ने कार में बैठे शख्स से आने का कारण पूछा। चालक की सीट के बगल में बैठे शख्स ने खुद को आईएएस अभिमन्यु सेठी बताया और कहा कि वह पीएमओ में पदस्थ है और एलजी साहब से मिलने के लिए आया है। इस पर एएसआई ने एलजी स्टाफ से बात की। फिर निर्देश के अनुसार कार में बैठे दोनों शख्स को एलजी ऑफिस वाले प्रवेश द्वार पर जाने के लिए कहा। एफआईआर के मुताबिक अनुमति मिलने पर दोनों युवक ऑफिस के रिसेप्शन पर पहुंचे। इस बार दूसरे युवक ने खुद का नाम अभिषेक बताया और कहा कि वह दिल्ली के सांसद का पीए है। वहीं अभिमन्यु सेठी नाम के युवक ने खुद को आईएएस बताया और एलजी से मिलवाने के लिए कहा। इसके बाद दोनों को एलजी ऑफिस भेज दिया गया, लेकिन बातचीत के दौरान दोनों संदिग्ध लगे। इसके बाद सिविल लाइन्स थाने के एसएचओ राजीव कुमार को सूचना दी गई। स्थानीय पुलिस के आने पर दोनों को उन्हें सौंप दिया गया। जांच के दौरान सामने आया कि सरकारी ठेका लेने के लिए फर्जी पहचान के आधार पर दोनों एलजी से मिलने की कोशिश कर रहे थे। सिविल लाइंस पुलिस ने आरोपियों की कार भी जब्त कर ली है।